नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि किस तरह से आप अपने साउथ इंडियन बैंक का बैंक बैलेंस किस तरह से देख सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से एक मिस कॉल करके आप अपने साउथ इंडियन बैंक का बैंक बैलेंस किस तरह से देख सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी करेंगे तभी भी चल जाएगा काम आपका, ठीक है। इसका नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेक। अब आपको यहाँ पर ऑल बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐड आएगा, इस ऐड को क्लोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जितने भी बैंक है इंडिया में सभी बैंक आपका दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी बैंक का बैंक बैलेंस देखना है आपको नीचे आना है और उस बैंक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का बैंक बैलेंस देखना है तो हमें यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हमें अपने साउथ इंडियन बैंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और ऐड आएगा, इस ऐड को क्लोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है आपको देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस नंबर पे आप कॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कॉल होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या जो कॉल है वो कट हो जाएगा अपने आप, और कट होने के बाद आपके पास एक बैंक की तरफ से एक SMS भेजा जाएगा जिसमें आपका पूरा बैंक का डिटेल्स और बैंक बैलेंस होगा, ठीक है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि उसी नंबर से आप कॉल करिएगा, जो नंबर आपके बैंक में रजिस्टर होगा उसी नंबर से आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके बैंक में जो नंबर रजिस्टर है, जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करते हुए जो डाला था उसी नंबर से आपको कॉल करना है इस नंबर पे। ये नंबर क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार कॉल आपको बता देता हूँ। नंबर है 09223008488। इस नंबर पे आपको जैसे ही कॉल करेंगे आपका बैंक बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपका कीपैड मोबाइल है, अगर आपका बटन वाला मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, तो इस नंबर को आप कॉल करेंगे, इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे आपका बैलेंस SMS के द्वारा भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो आपको मैसेज में भेज दिया जाएगा बटन वाला कीपैड मोबाइल में भी, ठीक है। तो कीपैड मोबाइल में भी यही काम करेगा। और यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन टच मोबाइल है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल करके भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। और अगर आपका साउथ इंडियन बैंक का मिनी स्टेटमेंट देखना है, चेक करना है मिनी स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर TRN और उसके बाद आपको 123 मतलब कि आपका कस्टमर का जो पिन है वो आपको डालना है, ठीक है। जैसे ही इस नंबर को डाल करके आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, तो आपका मिनी स्टेटमेंट भी दिख जाएगा साउथ इंडियन बैंक का, ठीक है। और अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं मिनी साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर केयर से, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे आपके जो कस्टमर केयर से कॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उसको दबा करके घंटी कॉल पर सेट कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।